हिमाचल प्रदेश के बीजेपी सांसद शांता कुमार ने पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह को चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा है कि घोटालों को लेकर इन खबरों से पार्टी का सिर झुक गया है। शांता ने अमित शाह को सुझाव दिया है कि इन मामलों की जांच के लिए संगठन में आचार समिति बनाई जाए जो लोकपाल की तरह काम करे। तो अमित शाह को शांता कुमार ने चिट्ठी में क्या लिखा है आपको बता दें, घोटालों की खबरों से पार्टी का सिर झुक गया है, इस तरह के मामलों की जांच के लिए लोकपाल की तरह एक आचार कमेटी बनाई जाए ताकि कमेटी में शामिल लोग सत्ता में बैठे लोगों को गलती का एहसास कराने की ताकत रख सकें। और ये अपने आप में बड़ी बात इसीलिए है क्योंकि शांता कुमार हिमाचल प्रदेश से सांसद, पार्टी के भीतर से यह आवाज। शांता कुमार आगे अपनी चिट्ठी में कह रहे हैं कि जब हम मोदी सरकार के एक साल पूरा होने का जश्न मना रहे थे तभी इस तरह की खबरें सामने आनी शुरू हुई। जो आरोप लगे हैं वो एकदम से नहीं हुआ है, पार्टी के लोगों को जानकारी रही होगी लेकिन उचित फोरम नहीं था इसलिए समय से कार्रवाई नहीं हुई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार और हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इन्होंने 10 जुलाई को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को एक खत लिखा था जिसमें पार्टी के अंदर जो बहुत तमाम मुद्दे हैं उन पर उन्होंने सवाल जवाब किए थे। आपने जो बड़े मुद्दे उठाए, व्यापम, महाराष्ट्र का जिक्र किया, उसके अलावा राजस्थान का जिक्र किया, ये खत आपने लिखा, सार्वजनिक भी क्या आपकी ओर से हुआ है? देखिए, मैं 19 वर्ष का था जब जम्मू कश्मीर आंदोलन में 8 महीने के लिए जेल गया था। 60 साल हो गए तब से चल रहा हूं, ना कभी रुका हूं ना कभी झुका हूं। मेरी पार्टी की शानदार उपलब्धियां हैं और मेरी पार्टी की शानदार उपलब्धि होती है तो मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है, लेकिन अगर कभी कहीं छींटे पड़ते हैं तो दिल में व्यथा पीड़ा होती है। और मैंने अपने मन की व्यथा को, पीड़ा को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पत्र में लिखा है। उस पत्र के एक एक शब्द के साथ मैं खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा। इस संबंध में मैं उस पत्र को सार्वजनिक नहीं करना चाहता था लेकिन मेरे हाथ से अनजाने में ये पत्र फेसबुक पे गया है, इसलिए मैं इस संबंध में और कुछ कहना नहीं चाहता। क्या इस पत्र का कोई जवाब आपको अभी तक मिला है? अभी नहीं मिला। और आप जो एथिक्स कमेटी की बात कर रहे हैं कि एथिक्स कमेटी बननी चाहिए, क्या उस बात पर आप अभी भी? देखिए, मैंने जो कहना था पत्र में कह दिया है और पत्र की हर बात के साथ मैं खड़ा हूँ।